दोस्तों, आपके अनुसार शिकारी जानवर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? वास्तव में अति आत्मविश्वास एक शिकारी की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जा सकती है। किसी शिकारी जानवर को अपना शिकार करने से लेकर शिकार को खाने तक अत्यंत सावधान रहना पड़ता है, परंतु भूख के कारण निकलते प्राण कई बार जल्दबाजी करने को मजबूर कर देते हैं और यही जल्दबाजी शिकारी जानवर के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। तो चलिए आज के वीडियो में अपना समय कुछ ऐसे ही पलों के साथ गुजारते हैं जब एक शिकारी भूख के चलते अपने शिकार को खाने के लिए इतना अधिक उतावला हो गया कि उस उतावलेपन ने शिकारी के प्राण ही खतरे में डाल दिए। हॉर्नबिल पक्षी और सांप। हॉर्नबिल पक्षी को अपने साथी के साथ दिखाए गए प्रेम और बेहद खास किस्म के घोंसले बनाने वाले हुनर के लिए जाना जाता है। इन पक्षियों के संसार में नर गजब के पत्नीवर्ता होते हैं। ये नर ना सिर्फ अपने बच्चों के खाने की जरूरतों को बल्कि अपने जीवन साथी के खाने की जरूरतों को भी पूरा करते हैं। वैसे आमतौर पर हॉर्नबिल पक्षी कीड़े और फल खाता है, परंतु इनकी खुराक में छोटे सांप भी शामिल है। भला बड़े कीड़े निगल जाने वाले इस पक्षी को छोटे आकार के सांप खाने में क्या तकलीफ हो सकती है? लेकिन यहाँ इस वीडियो में इस हॉर्नबिल ने शायद अपनी खुराक के हिसाब से थोड़े बड़े आकार के सांप को चुन लिया, इसलिए इस सांप को खाना हॉर्नबिल पक्षी के लिए जी का जंजाल बन गया। ज़्यादातर मौकों पर पक्षी सांपों को बिना कुतरे ही निगल जाते हैं, ऐसा ही ये हॉर्नबिल भी कर रहा है। लेकिन यहाँ ये सांप जिंदा भी है, इसलिए ये सांप हॉर्नबिल के मुँह से वापस बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण से हॉर्नबिल का सांस रुकने लगा और वो ज़मीन पर लेट गया। लेकिन आखिर में इस अनोखी लड़ाई को हॉर्नबिल ही जीत जाता है और ये सांप को निगलने में कामयाब रहता है। किंतु इस पक्षी को अपना सबक जरूर मिल गया। आगे से इतने बड़े सांप को निगलने से पहले ये अधिक सावधान जरूर रहेगा। बबून और तेंदुआ। दोस्तों, तेंदुए अक्सर बबू नामक बंदर का शिकार करते हुए देखे जा सकते हैं। तेंदुए घात लगाकर आगे बढ़ते हैं और बबून को दबोच लेते हैं, परंतु बबून झुंड बनाकर रहने वाले बंदर हैं और एक झुंड में बबून काफ़ी ताकतवर हो जाते हैं, इसलिए तेंदुआ किसी अकेले बबून का ही शिकार करता है। परंतु पापी पेट ने इस तेंदुए से गलती करवा ही दी। वीडियो में देखिए, ये तेंदुआ एक बबून का शिकार करने की मंशा लिए उसका पीछा कर रहा है, किंतु तेंदुआ पास मौजूद बबून के झुंड से सावधान नहीं है। शायद तेंदुए को लगा होगा कि जल्दी से बैबून की गर्दन को पकड़कर भाग जाऊंगा, लेकिन यही सोच तेंदुए पर भारी पड़ गई। जैसे ही तेंदुआ बैबून के झुंड के पास आया, झुंड के मुख्य नर ने तेंदुए पर हमला कर दिया। अब मुख्य नर का साहस देखकर बाकी बैबून क्यों पीछे रहते, इसलिए बैबून के पूरे झुंड ने ही तेंदुए पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। बेचारे इस तेंदुए की तो वैसे ही कुटाई हो रही है जैसे बस में पकड़े गए किसी जेब कतरे की होती है। चारों ओर से बढ़िया से मार खाने के बाद आखिरकार किसी तरह से तेंदुआ इन बंदरों के झुंड की पकड़ से खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा और तेंदुए ने भागकर अपनी जान बचाई। वैसे बबून बंदर जल्दी से हमला नहीं करते, वो तो शिकारी जानवर को देखकर छुप जाना पसंद करते हैं। इस वीडियो में देखें कैसे शेरों के समूह को देखकर बबून बंदर ब्रिज के नीचे छुप रहे हैं। शेर और भैंस। अब यह वीडियो साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क का है। वीडियो में शेरों के एक समूह ने एक भैंस का शिकार किया है और शिकार का मजा उठा रहे हैं। चूंकि शेर के बच्चे का जबड़ा कमजोर होता है, इसलिए इस बच्चे ने भैंस की मजबूत त्वचा को काटने की कोशिश ना करते हुए भैंस के पिछले नरम हिस्से को खाने की सोची, लेकिन हड़बड़ी इसे ले डूबी। बेचारे शावक का मुँह भैंस के पीछे ही फंस गया। अब यह शावक अपना मुँह बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, परंतु चाहकर भी वो अपना मुँह नहीं निकाल पा रहा। बेचारे शावक की मदद उसकी माँ भी नहीं कर रही, क्योंकि माँ खुद अपना ही पेट भरने में व्यस्त है। थोड़ी ही देर में कुछ अन्य शेर इस शावक के पास भी आ जाते हैं, लेकिन न जाने क्यों वो अन्य शेर भी शावक की मदद का कोई प्रयास नहीं कर रहे। वीडियो फिल्माने वाले सैलानियों को लगा कि अब ये शावक ऑक्सीजन की कमी के कारण मारा जाएगा, इसलिए वो भी वहाँ से चले गए। हालांकि उन्होंने इस बारे में वन्य कर्मियों को अवश्य सूचित कर दिया था। जब अगले दिन वन्य कर्मी स्थान पर आए तो उन्हें भैंस की खाई लाश के पास कोई मरा हुआ शावक नहीं मिला, इसलिए अंदाज़ा लगाया गया कि शायद किसी शेर ने ही खींचकर शावक को बाहर निकाल दिया होगा, या फिर हो सकता है कि शावक मारा गया हो और कोई अन्य शिकारी उस मरे हुए शावक को उठा ले गया हो। वैसे भैंसे शेरों के भोजन का मुख्य स्रोत है। शेर अक्सर समूह बनाकर भैंसों का शिकार करते हैं। यहाँ इस दूसरी वीडियो में 5 शेर एक भैंस का शिकार कर रहे हैं, परंतु शिकार की इस कोशिश में एक जवान शेर भैंस के सींग में फंस गया है। करीब 20 मिनटों तक यह शेर भैंस के सींग पर ऐसे ही लटका रहा। दरअसल शेर ने इस भैंस पर मुंह की तरफ
तरफ से हमला कर दिया था, जबकि अनुभवी शेर हमेशा भैंस पर पिछले पैरों एवं कमर की ओर से हमला करते हैं, जिससे भैंस गिर जाए और शेर उस गिरी हुई भैंस की गर्दन दबोच ले। अब चूंकि भैंस जैबरों की भांति पिछले पैरों से दुलत्ती नहीं मार सकती, इसलिए कमर की तरफ से हमला करना शेरों के लिए ज़्यादा फायदे का सौदा रहता है। परंतु ये वाला शेर शायद कम अनुभवी रहा होगा, जो इसने सींगों की ओर से ही भैंस से पंगा ले लिया और खुद के लिए एक बेहद बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली। वो तो अच्छा था कि भैंस को गिराने के लिए दूसरे शेर भी कोशिश कर रहे थे, वरना आज इस शेर का काम तमाम हो जाना निश्चित था। लेकिन शेर गंभीर रूप से घायल अवश्य हो गया है, ऐसे में शेर की जान बच पाई या नहीं इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। मेंटिस और बिग हॉर्नेट। दोस्तों, कीटों की दुनिया में मेंटिस को बड़ा ही शक्तिशाली कीट माना जाता है। मेंटिस की खुराक में टिड्डे, मौत, कॉकरोच से लेकर छोटे सांप और छिपकलियां तक भी शामिल है। इस वीडियो में ये मेंटिस एक ततैया का शिकार कर रहा है, परंतु ये ततैया कोई आम ततैया नहीं है, बल्कि ये है बिग हॉर्नेट। इस ततैया का डंक 6 मिलीमीटर का होता है। अगर यह ततैया हम इंसानों के हाथ पर काट ले तो काटे गए हाथ पर सिर्फ सूजन ही नहीं आती, बल्कि जानकार बताते हैं कि हॉर्नेट द्वारा काटा गया इंसान अपने हाथ से अपाहिज तक हो सकता है। अब इतने खतरनाक ततैये से उलझना निश्चित रूप से मेंटिस को भी महंगा पड़ने वाला है, परंतु भूखा मेंटिस हर हाल में ततैये को खाने पर आमदा है और इस लड़ाई का नतीजा वही हुआ जो हो सकता था। लड़ाई के दौरान हॉर्नेट कई बार मेंटिस को काटता है और अंततः अपनी भूख मिटाने के लालच का परिणाम मेंटिस को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। किलडियर पक्षी। किलडियर पक्षी एक अनोखा पक्षी है। इस पक्षी के चकित कर देने वाले बचाव के तरीके के कारण शायद आप किलडियर पक्षी को मूर्ख पक्षी का खिताब भी दे दे। दरअसल ये पक्षी जब भी अपने निकट किसी शिकारी जीव को देखता है तो बजाय भागने के किलडियर अपने पंखों को फैलाकर शिकारी को डराने की कोशिश करता है। यदि इस कोशिश से कामयाबी ना मिले तो यह अनोखा पक्षी इस तरह से अभिनय करने लगता है मानो ये घायल है और इसका एक पंख टूटा हुआ है। असल में अनेकों बार शिकारी किलडियर पक्षी के अंडों या चूजों को खाने आते हैं, इसलिए अपने अंडों और चूजों की ओर से ध्यान हटाने के लिए ही ये पक्षी इस तरह से पंख टूटने का अभिनय करता है। हालांकि बचाव का ये अनोखा तरीका कई बार इस पक्षी की मौत की वजह भी बन जाता है। वहीं दूसरी ओर शिकारी के सामने अपनी मां को निडर खड़े रहते देख अनेकों बार किलडियर पक्षी के चूजे भी अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं। इस वीडियो में देखें, यहां किलडियर का एक छोटा चूजा छाती चौड़ी करके एक तेंदुए की ओर बढ़ा जा रहा है। अब तेंदुआ भला इस सुनहरे मौके को कैसे छोड़ता, उसे तो बैठे बिठाए भोजन मिल गया। जल्द ही तेंदुआ किलडियर पक्षी के चूजे को अपने दांतों में पकड़कर मार डालता है। एक अन्य वीडियो में इसी तरह की बेवकूफी भरी हिम्मत ये बाघिन दिखा रही है। दरअसल इस इलाके के प्रमुख नर बाघ ने एक सांबर हिरण का शिकार किया था। अपने शिकार को छोड़कर यह बाघ ऊपर छोटी पहाड़ी पर बैठकर सुस्ताने लगा। तभी एक बाघिन बाघ द्वारा किए गए शिकार पर हाथ साफ करने आ गई। बाघिन जानती है कि बाघ पास ही में है, परंतु बाघिन फिर भी अपने लालच को नहीं रोक पाई और शिकार को खाने लगी। तभी बाघ गुस्से में गरजता हुआ आ पहुंचा। आप बाघ और बाघिन के आकार में साफ तौर पर अंतर देख सकते हैं। वो तो अच्छा हुआ जो इस बाघ ने मिथुन चक्रवर्ती की ही तरह औरतों पर हाथ ना उठाने की कसम खाई थी, नहीं तो एक बड़े नर के हमले के सामने इस बाघिन का एक मिनट भी टिक पाना संभव नहीं था। कछुआ और सांप। ये अंतिम वीडियो भी काफ़ी रोचक है, जिसमें समझ नहीं आ रहा कि कछुआ सांप को मार रहा है या सांप कछुए को। वीडियो में एक सांप का सर कछुए के खोल में फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है और शायद ये सांप लगातार बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा है, किंतु कामयाब नहीं हो पा रहा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि सांप ने कछुए के सर पर काटा तो कछुए ने अपना सर खुद के कवच के भीतर छुपा लिया, परंतु लालची सांप कछुए के खोल में ही घुस गया, जहाँ शायद कछुए ने उल्टा सांप को ही दबोच लिया। हालांकि जानकार बतलाते हैं कि अनेकों बार सांप कछुए के खोल को कोई बिल समझकर भी उसमें छुपने की कोशिश करता है और सांप की सरकत से परेशान कछुआ सांप को दबोच लेता है। हालांकि इस लड़ाई में बिना किसी की जान गए फैसला हो गया। किसी तरह से सांप कछुए के खोल से बाहर निकला और मौका वारदात से फरार हो गया। वैसे ये लड़ाई तो बिना किसी खून खराबे के ही समाप्त हो गई, परंतु जंगली जीवन में हार जीत और जीवन मरण का खेल लगातार चलता रहता है। यहां होने वाली लड़ाइयां अंतहीन हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।